राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपने अपने मोर्चे संभाल रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हनुमान बेनीवाल, खास बातचीत करते हैं। आरएलपी के नेता हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान जी, क्या आरएलपी भी उपचुनाव में चारों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आज आप राजसमंद में हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहला सवाल ये। देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चारों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हमने पहले ही क्लियर कर दिया था। और अभी पंचायत चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव भी हमने लड़े, आशातीत सफलता भी हमें मिली। और ये राजस्थान के जवानों को गौरवान्वित होना चाहिए कि इनके भाई ने पार्टी भी बनाई और पार्टी को पंचायत चुनाव और वार्ड स्तर पे शहरी क्षेत्र में लेके गए। शहरी क्षेत्र में भी हमारा एक चेयरमैन बना, वहाँ भी सफलता मिली हमारे को। चारों उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में परिवर्तन के मुद्दे पर लड़ेगी। गहलोत वसुंधरा का जो गठबंधन है, 70 साल की व्यवस्था राजस्थान के अंदर, आज आज़ादी के 70 साल बाद पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिना भवन की स्कूल, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर। अभी जो नाम दुखांतिका कोटा के अंदर पिछले दिनों हुई थी, दलित युवती का वीडियो वायरल हुआ, थाने के अंदर दुष्कर्म की जैसी घटना, आज़ादी के 70 साल बाद देखने को मिले, तो ये कौन सा राजस्थान है? कैसा राजस्थान है? कहाँ लेके जाएगी पार्टियाँ? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। हम चाहते हैं कि रात की 12 बजे भी हमारी बहन बेटियाँ सड़क पर निकले तो सुरक्षित जाएँ, मजा ले, कोई सामने देख ले। हम चाहते हैं कि कोई ये बाबा जी जो बैठे हैं, ये तहसीलदार और थानेदार के पास जाए तो थानेदार बोला हो बाबा जी चाय पियोगे, ठंडा पियोगे, ऐसा राजस्थान हम चाहते हैं। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और दिल्ली सरकार के साथ साथ तीनों कृषि बिल, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है, इनके साथ साथ राजस्थान सरकार की जो कर्ज माफी की घोषणा राहुल गांधी ने करी थी, कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता और खाली पदों को भरने की मांग को लेकर जोधपुर से 7 लाख से ज़्यादा लोगों की बड़ी हुंकार, आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिल्ली और राजस्थान की सरकार के खिलाफ लड़ाई का ऐलान हम जल्दी करेंगे। और चारों उपचुनाव नौजवानों को रोजगार, इन इलाकों का, पिछड़े इलाकों का विकास, किसानों की जो दुर्दशा राजस्थान के अंदर, और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को लेकर चारों उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक। गहलोत जी तो आपके लिए कहते हैं कि वो हनुमान बेनीवाल तो कुछ ही बोलते रहते हैं, उनका क्या है? गहलोत के कहने से क्या होता? तो गहलोत तो सीएम है, मेरे को एक बार सीएम बना के देख लो, गहलोत कुछ बोल दे क्या मेरे बारे में? धमकी दे रहे। हाँ, ये धमकी मान लो आप, ये मेरी धमकी मान लो कि मैं मुख्यमंत्री रह जाऊँ और उसके बाद मेरे खिलाफ इस तरह ऐसे ही बोलते रहते, कोई कह दे, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, वो फिर मानने का दावा क्यों नहीं करते मेरे ऊपर? हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, मेरी पार्टी की मान्यता रद्द कराए। मैंने गहलोत वसुंधरा पर जो आरोप लगाए वो गलत है क्या? दोनों मिले हुए हैं, दोनों को एक ही पार्टी में रहना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। आप तो क्या प्रेम है कि वसुंधरा गहलोत की सरकार बचा रही है और अशोक गहलोत वसुंधरा की माथुर आयोग की रिपोर्ट को पुनः अगली बार भी लागू करने की बात करी थी, पिछली बार भी इंक्वायरी एक्ट की उसके अंदर बिंदु को उसके अंदर रख के और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो खारिज हुआ माथुर आयोग। अगली बार भी चुनाव से पहले कहा था कि माथुर आयोग हम लागू करेंगे, लोकायुक्त ने एक दर्जन जगह FIR की बात करी है, तो अशोक गहलोत नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि वसुंधरा और मिलके दोनों एक दूसरे के बच्चों को भी आगे लाएंगे, मिलके लूटेंगे राजस्थान को, और ये दोनों ने तय कर रखा है और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी राजस्थान के अंदर। हनुमान जी, आप ट्राइबल बेल्ट में आए हैं, आदिवासी इलाका है, बहुत सारी समस्याएं हैं, इनके जो विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं ट्राइबल की समस्या उठाने की बजाय वो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, इस पर आप, इस बयान पे आप किस तरह से सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, ऐसा अगर कहते हैं तो ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, क्योंकि आदिवासियों ने इस धर्म को बचाने के लिए भी, अंग्रेज़ों के खिलाफ भी बड़ी लड़ाइयाँ आदिवासियों ने लड़ी है और आज भी आदिवासी कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। अगर किसी ने बयान दिया है तो ये उसका व्यक्तिगत बयान हो सकता है या फर्स्ट स्टेशन में हो सकता है, व्यक्ति फर्स्ट स्टेशन में कई बार कोई कुछ भी बोल देता है। जैसे अभी एक संवाददाता का एक वो वीडियो वायरल हो रहा था, वो नड्डा जी को पता नहीं क्या बोल रहा, फर्स्ट स्टेशन होता किसी न किसी व्यक्ति का, हो सकता फर्स्ट स्टेशन है उनका, फर्स्ट स्टेशन ही होगा तो तभी तो बोला होगा कि हिंदू नहीं होते, हिंदू तो होते ही, कैसे नहीं होते? हिंदू धर्म के अंदर ये तो, ये कोई धर्म ग्रंथ हमने थोड़ी बनाया, ये तो पहले से चला आ रहा है, ये जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये पहले से आई, हमने थोड़ी लागू करी। ये किस विधायक ने बोला है? ये गणेश गोगरा ने बोला है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के। हाँ, हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, बोल दिया होगा। आदमी बोल देता कई बार, या नींद में बोल गया होगा। नहीं, राजकुमार रोध भी सपोर्ट कर रहे हैं उनका। भाई, नींद में भी आदमी क्या बोलता रहता है, नींद में बड़बड़ाता है कई बार लोग, और फिर बोलने के बाद पश्चाताप भी करता है।
वो तो जो जिस जाति और धर्म के अंदर जन्म ले लिया वो तो वही रहेगा, वो पीछा नहीं छूटेगा। और खाली वोट बचाने के लिए कोई ऐसी बातें करना जब हम कहते हैं तो वो चलता नहीं है। अलग स्टेट आदिवासियों के लिए अलग स्टेट की मांग करता हूँ मैं। हाँ तो मांग तो कोई आदमी किसी चीज़ की कर सकता है, मना कौन करता है? ये तो हिंदुस्तान की कमजोरी, लोकतंत्र है, यहाँ चाहे जो बकवास कर लो, कोई रोकने वाला नहीं। आप ये तो हनुमान बेनीवाल तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 23 के अंदर सबकी दुकान समाप्त कर देंगे। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठानंदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।